तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल फार्मा ट्यूटोरियल। तो पैथोफिजियोलॉजी का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट चल रहा है, मतलब यूनिट फर्स्ट जो है बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर में, यूनिट फर्स्ट जो है पैथोफिजियोलॉजी में, उसमें सेकंड पार्ट मतलब जो WBC माइग्रेशन बताने जा रही हूँ। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, उसके मैकेनिज्म क्या होते हैं। तो मैकेनिज्म मैंने बताया था कि दो पार्ट है, एक जो मैंने पहले अपलोड कर दिया है वो ठीक है कि वो उसमें क्या है नॉर्मली कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब हम बताएंगे कि WBC का माइग्रेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे तो हमें ये पता चल गया कि WBC को हमें बाहर जाना है, क्योंकि जब हमारी इंडोथेलियल जो सेल होती है अगर उसमें कोई होल बन जाएगा तो ही हमारी WBC क्या हो पाएंगी, बाहर जा पाएंगी। लेकिन अब हमें ये बताना है कि कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जो WBC यानी हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनको ब्लड वेसल्स के बाहर लेके जाती हैं, जिससे वो क्या करती हैं माइक्रोब्स को ख़त्म करती हैं। ठीक है, तो द जर्नी ऑफ द ल्यूकोसाइट फ्रॉम द वेसल्स ल्यूमेन टू द टिश्यू इज द मल्टी स्टेप प्रोसेस दैट इज मेडिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाई द एडिशन मॉलिक्यूल एंड साइटोकाइंस कॉल्ड द कीमोकाइंस। ठीक है, तो यानी जो देखो द जर्नी ऑफ द ल्यूकोसाइट फ्रॉम द वेसल्स, यानी नॉर्मली देखो क्या होता है, वेट देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने बताया था ना कि ये हमारी क्या है ब्लड वेसल्स है। ठीक है, अब इस ब्लड वेसल्स में क्या है WBC RBC ये सब सारे के सारे हैं। ठीक है, अब हमारा ये क्या है, ये हमारी स्किन है मान लो, और ये हमारा क्या एक्स्ट्रा वेस्कुलर यानी वेस्कुलर यानी ब्लड जिसमें फ्लो करता है वो वेस्कुलर होती हैं और इसके बाहर की एक्स्ट्रा वेस्कुलर होती हैं, माइक्रोब्स हमारे ये हैं। ठीक है, तो अब जो ये WBC हैं, ये WBC क्या करेगी, बाहर जाएंगी तभी तो इस माइक्रोब्स को इंगल्फ कर पाएंगी। तो अब इस WBC को बाहर जाने के लिए कौन कौन से मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, यानी ये वेस्कुलर से कहाँ जाएगा, ल्यूमेन में जाएगा, इसको ल्यूमेन भी कहते हैं, यानी स्किन के जो जस्ट बाहर वाली होती है अंदर वाली होती है उसको ल्यूमेन कहते हैं। तो ल्यूमेन में जाने के लिए जो जो एडिशन मॉलिक्यूल या फिर क्या कर रहे हैं साइटोकाइंस इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको क्या कहते हैं, कीमोकाइंस कहते हैं। ठीक है, यानी हमें ऐसा तो यानी कि WBC हम लोग कोई इसके पास पैर है और ये जगह चला जाएगा नहीं ना, इसको कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो इसको क्या करेंगे बाहर की ओर धकेलेंगे, तो इन मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, कीमोकाइंस कहते हैं। तो वही कह रहा है कि द जर्नी ऑफ द ल्यूकोसाइट फ्रॉम द वेसल्स ल्यूमेन, वेसल्स ल्यूमेन से टिश्यू तक जाने के लिए मतलब बाहर तक जाने के लिए बहुत सारी मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है जो कि मेडिएट एंड कंट्रोल होती है बाय द एडिशन मॉलिक्यूल। देखो ये पेपर में आता ही है इसलिए मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ, और प्लीज़ आप लोग स्किप मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि अगर वीडियो बीच में स्किप कर देंगे ना तो समझ नहीं आएगा। और ये सेशनल में भी लोग मतलब ऐसे टीचर्स मोस्टली पूछते हैं कि WBC माइग्रेशन क्या होता है, नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होती है इन्फ्लेमेशन की। ठीक है, द प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इंटू सिक्वेंटियल फेजेस। अब देखो मैंने बताया कि मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है, तो उसको डिवाइड किया जाएगा किसमें, सिक्वेंटियल फेजेस में, मतलब सिक्वेंस वाले फेज में उसको डिवाइड किया जाएगा। तो इन द ल्यूमेन माइग्रेशन मार्जिनेशन रोलिंग एडिशन टू द इंडोथेलियम, यानी मार्जिनेशन मतलब क्या होता है साइड में आएगा, मान लो हमारी क्या है मार्जिनेशन जिससे हमारी ब्लड वेसल्स है, तो अब WBC क्या कहाँ आएगा, यहाँ साइड में आएगा जिसको मार्जिनेशन कहते हैं। फिर वो रोल कर करके धीरे धीरे अपनी एक पॉइंट पे पहुँचेगा, उस पॉइंट पे जहाँ से वो क्या करेगा बाहर जाएगा, तो रोल करेगा और एडिशन मतलब उससे चिपक जाएगा, मतलब जो ब्लड वेसल्स है उससे चिपक जाएगा टू द इंडोथीलियम, इंडोथीलियम की बनी होती है ना ब्लड वेसल्स। तो इन्फ्लेमेशन द इंडोथीलियम इज़ एक्टिवेट। अब जब इन्फ्लेमेशन होगा तो जो इंडोथीलियम हो जाएगी वो एक्टिवेट हो जाएगी, कैसे होगी वो मैंने पहले के वीडियो में बता दिया कि उसमें होल्स वगैरह कैसे बनेंगे, एंड इट कैन बाइंड ल्यूकोसाइट फॉर एग्जिट फ्रॉम द ब्लड वेसल, और ये क्या करेंगे बाइंड करेंगे ल्यूकोसाइट से और फिर वो क्या जाएगा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ब्लड वेसल से बाहर चला जाएगा। तो द फर्स्ट माइग्रेशन अक्रॉस द एंडोथीलियम एंड वेसल्स वॉल और माइग्रेशन इन द टिश्यू टूवर्ड अ कीमोटेक्टिव, मतलब देखो माइग्रेशन जो है इंडोथीलियल की ओर हो रहा है, माइग्रेशन मतलब कहाँ की ओर, इंडोथीलियल की ओर, वेसल्स वॉल की तरफ हो रहा है, और फिर माइग्रेशन कहाँ होगा टिश्यू की ओर होगा यानी ब्लड वेसल्स के बाहर होगा, अ कीमोटेक्टिक स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस जो है कीमोटेक्टिक स्टिमुलस उसके हिसाब से वो क्या करेगा बाहर की ओर जाएगा। तो पहले कहाँ जाएगा इंडोथीलियम की, मतलब ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है वो इंडोथीलियम की बनी होती है, तो सबसे माइग्रेट करके वो इंडोथीलियम की तरफ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा वो टिश्यू कीमोटेक्टिक फैक्टर के। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, देखो हमारी क्या है ये स्किन है, यहाँ पे लिख देती हूँ ये क्या है हमारा स्किन है। अब स्किन में क्या है, देखो ये हमारा क्या है माइक्रोब्स है। ठीक है, अब ये हमारी क्या है ब्लड वेसल्स है। अब ब्लड वेसल्स में देखो ये इंडोथीलियम की लेयर है, ये जो ये वाली दिख रही है ना ये क्या है इंडोथीलियम की लेयर है, और ये सब इंडोथीलियम की लेयर है, और ये क्या है हमारे WBC हैं। ठीक है, और एक चीज़ और जानो कि देखो WBC जो होता है ना उसको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप लोग ब्लड वेसल्स देखोगे तो सबसे पहले बीच में क्या होती है WBC होती है, उसके साइड साइड में RBC होती है, फिर प्लेटलेट्स होती है।
ठीक है, फिर प्लाज्मा ऐसे होता है। तो WBC बीच में होती है, तो उसको क्या करना है, साइड में जाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये हो गया WBC। तो ये सबसे पहले मार्जिनेशन हुआ, देखो ये WBC यहाँ से कहाँ आ गई, उठ के यहाँ पर आ गई, तो मार्जिनेशन यानी साइड में आ गई एंडोथेलियल के। अभी रोल करते 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 रोल करते करते अपने उस पॉइंट पर पहुँचेगी जहाँ पर उसे एडे मतलब, तो जाके एक जगह एडेशन हो जाएगा, एडेशन मतलब चिपकना, तो चिपकना एक जगह पर एडेशन हो जाएगा, फिर ट्रांसमाइग्रेशन यानी उसको ये जो एंडोथेलियल की लेयर है उसको ट्रांसफर करके कहाँ चली जाएगी, वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर यानी टिश्यू में आ जाएगी। अब टिश्यू में क्या होता है, कीमोटैक्सिस होता है। कीमोटैक्सिस मतलब क्या होता है, जो माइक्रोब्स होता है कुछ ऐसे केमिकल जो है रिलीज़ करता है जिसकी वजह से वो क्या करता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। यानी ये जो है हमारा ऑप्सोसिन, आप लोग पढ़ोगे अगर आप लोग, मैं बता रही हूँ लेकिन आप लोग को इतना ज़रूरी नहीं है, पर ऐसे अगर अच्छे मार्क्स लाने तो ना कुछ वर्ड ऐसे ऐड करने पड़ते हैं आपको अपने नोट्स में, तो आप लिख सकते हो ऑप्सोसिन, मतलब जो ये होता है हमारा माइक्रोब्स, ये क्या करता है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल रिलीज़ करता है अपने सरफेस पे जिससे कि क्या होता है ये जो WBC होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और उसको खा लेती है। तो ये होता है तुम्हारा कीमोटैक्सिस यानी रिलीज ऑफ द केमिकल बाय विच WBC इनगल्फ द माइक्रोब्स, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आई होप की प्रोसेस समझ आई होगी, बाकी मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में भी एक जगह बता दूंगी, ठीक है। तो देखो अब एक चीज़ और है, एंडोथेलियल मॉलिक्यूल है यहाँ पे ल्यूकोसाइट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इनके मेजर रोल है। यहाँ पे बताया है कि कौन कौन से, मान लो ये हमारा क्या है, पी सेलेक्टिन है, ई सेलेक्टिन है, ग्लाइकेम CD34 है, ICM है, VCM है, एंडोथेलियल मॉलिक्यूल। यानी देखो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये जो ये वाले मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, और जो ये सब मॉलिक्यूल है ये इनके लाइगेंट है, मतलब ये आकर के इनसे चिपकेगा तो जाकर के वो रिलीज़ करता है, ठीक है। इनका रोल कहाँ पर है, जैसे कि मान लो पी सेलेक्टिन है, पी सेलेक्टिन ऐसे रहेगा, उस पर आकर के जब सैलाइट लुइसिक एक्स मॉडिफाइड प्रोटीन होती है ये जब अटैच होंगी तो वो क्या करेगा, रोल करेगा, ठीक है। फिर ई सेलेक्टिन होता है आगे उसके, तो पी मतलब हो गया प्लेटलेट्स, ठीक है, ई मतलब हो गया एंडोथेलियल सेलेक्टिन, तो ये सेलेक्टिन जो होता है फिर क्या करेगा, फिर ये रोलिंग और एडिशन में काम करते हैं। ग्लाइकेम जो CD34 होता है ये एल सेलेक्टिन होता है, ये भी रोलिंग में काम करता है। ICAMB2 इंटीग्रीन जो होता है वो उसके लिए ल्यूकोसाइट होता है, वो एडिशन और किस में काम करता है, ट्रांसमिशन यानी बाहर जाने में काम करता है, ठीक है। फिर हमारा कौन सा आता है, PECM आता है, BECM CD38 भी बोलते हैं इसको, ये किस में हेल्प करता है, डायपेंडिस या फिर ट्रांसमिशन। एक चीज़ और, डायपेंडिस जो होता है उसी को ट्रांसमिशन कहते हैं, ट्रांसमिशन मतलब जब वो इंडोथेलियम के बाहर जा रही होती है तो उसी को क्या कहते हैं, डायपेंडिस या फिर ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है। तो आइए वो देख लेते हैं एक बार अच्छे से। हाँ, तो इस इमेज में देखो आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो ये जो ल्यूकोसाइट वाली ऊपर की इमेज है ये क्या है, हमारा ब्लड है, ठीक है, और ये बीच में क्या है, हमारा इंडोथेलियल की लेयर है जो कि ऐसे सेल वॉल जैसे दिख रही है ना, इंडोथेलियल की लेयर है, और उसके नीचे वाली लेयर कौन सी, हमारा एक्स्ट्रा वेस्कुलर यानी टिश्यू है। अब देखो मैक्रोफेज विथ माइक्रोब्स जहाँ लिखा हुआ, ये हमारा माइक्रोब्स है, ठीक है, तो इसको हमको किल करना है। तो अब कैसे किल होगा, ये जो ल्यूकोसाइट है, पहले ऊपर देखो ये जो ल्यूकोसाइट है ये क्या कर रही है, धीरे धीरे माइग्रेट कर रही है, मतलब साइड की ओर आ रही है, इंडोथेलियल की ओर आ रही है, तो लो एफिनिटी मतलब उसकी एफिनिटी कम है लिगेंड से बाइंड करने की, तो वो धीरे धीरे माइग्रेट हो रही है। देखो तीर लगा हुआ है ना, वो एरो का निशान, तो वो माइग्रेट करके कहाँ आ रही है, इंडोथेलियल की वॉल पे आ रही है। अब वो इंडोथेलियल की वॉल पे आके क्या कर रही है, इंटीग्रीन से रोलिंग कर रही है, सेलेक्टिन आ रही है, तो इन सब की वजह से क्या हो रही है, वो लास्ट में आकर के एडहेर कर जा रही है। देखो जो 1, 2, 3, 4, 5 जो 5 वाला है आपका ऊपर से ल्यूकोसाइट है, फिर लो एफिनिटी है, तो ऐसे ऐसे करते जो 5 वाला सिंबल ल्यूकोसाइट का बना है वो देखो वो वहाँ पर आके चिपक गई हैं, जिसमें चिपकने में 4 जो मॉलिक्यूल है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या करें, ट्रांसाइटोसिस करें, ट्रांसाइटोसिस मतलब इंडोथेलियल को पार करके कहाँ आ रही है, वो टिश्यू के साइड आ रही है। तो ये देखो जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था वहाँ नॉर्मल पेंसिल वाला, वो स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा सेम ही है। तो देखो ट्रांसाइटोसिस में क्या करिए, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आकर के वो ट्रांसफर मतलब इंडोथेलियल को क्रॉस करके कहाँ आ रही है, ब्लड वेसल्स की ओर आ रही है। फिर क्या कर रही है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर में आ गई। अब एक्स्ट्रा वेस्कुलर में आने के बाद वो देखो इंगल्फ कर रही है, जो माइक्रोब्स है देखो जो येलो कलर के छोटे छोटे दिख रहे हैं ना ऐसे, वो क्या है, माइक्रोब्स है। तो वो माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं कीमोकाइंस को, मतलब कुछ ऐसे केमिकल को रिलीज़ करते हैं जिससे क्या होता है, पता चलता है कि ये माइक्रोब्स है। तो अब ये जो फैगोसाइट मतलब ये जो ल्यूकोसाइट है ये क्या करती है, उसको इंगल्फ कर लेती है और मैक्रोफेज को डैमेज कर देती है। तो बस इतना सही है, आगे बाकी देखते हैं इसके स्टेप में जो कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो मतलब जो इमेज थी मैंने जिससे एक्सप्लेन किया वो आपको समझ आया होगा। मैं बुक, यार मुझसे बुक पूछ रहे हैं लोग, हाँ मैं बुक जल्दी एक वीडियो बना लेती हूँ, अच्छा शॉर्ट जिसमें मैं सारे वीडियो जो बुक्स जो इतनी भी हैं उसके वीडियो बना लेती हूँ, जिससे आपको वो डिस्क्राइब कर देंगे कौन कौन से बुक आपके सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 बच्चे मुझसे पूछ चुके हैं और इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक है। तो बताती हूँ जल्दी, देखो अब यहाँ पे आप लोगों को समझ आया ना, तो अब पॉइंट वाइज कैसे लिखना है ये इंपॉर्टेंट है। देखो ल्यूकोसाइट जो होती है गोज फ्रॉम द ब्लड, अब ल्यूकोसाइट जो हमारी कहाँ चली गई, इंडोथेलियल को क्रॉस करके ब्लड में चली गई, जिसी टू एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू, ब्लड से कहाँ चली गई, वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू में चली गई, वेयर इन्फेक्शन पैथोजन और डैमेज टिश्यू में भी लोकेटेड, जहाँ पे हमारा माइक्रोब्स क्या है, लोकेटेड है यानी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब क्या करती है, ल्यूकोसाइट माइग्रेशन कंसिस्ट ऑफ द, अब ल्यूकोसाइट माइग्रेशन में क्या क्या होती है, 3 चीज़ें होती हैं। पहला हो गया रोलिंग, किसकी हेल्प से होती है, सेलेक्टिन की हेल्प से। अटैचमेंट किसकी हेल्प से होती है, इंटीग्रीन, अटैचमेंट मतलब एडिशन, एडिशन किसकी हेल्प से हो रही है, इंटीग्रीन, और लास्ट में माइग्रेशन थ्रू द इंडोथेलियम स्पेस। 3 प्रोसेस हो गई,
फिर हमारा क्या होता है, ल्यूकोसाइट कैन एलिमिनेट माइक्रोब्स एंड डेड सेल बाई फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होती है, वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से जो ल्यूकोसाइट होता है वो क्या करता है, एलिमिनेट मतलब खत्म करता है माइक्रोब्स को और डेड सेल को, उसको क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस ठीक है, यानी इंगल्फ करना। ठीक है, और एक और चीज़ बताऊँ, एक होता है फैगोसाइटोसिस, एक होता है पिनोसाइटोसिस। अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस यानी माइक्रोब्स को इंगल्फ करना है तो उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं, और किसी लिक्विड को इंगल्फ करा जाता है तो उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, बस ऐसे नॉर्मली बता दे रही हूँ, याद रखिएगा। एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस फ्री रेडिकल ROS और जैसे कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। देखो, अब जो एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट है ये क्या प्रोड्यूस करता है, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है एंड न्यूट्रोफिल फ्रॉम नेट एंड ट्रैप एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब। अब जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो क्या करते हैं, नेट मतलब जाल जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं और जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और खत्म कर देते हैं। तो द मैकेनिज्म दैट फंक्शन टू एलिमिनेट माइक्रोब्स एंड डेड सेल, द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द इन्फ्लेमेशन आर ऑल्सो कैपेबल टू डैमेजिंग द नॉर्मल। मतलब ये कह रहा है कि जब वो प्रोसेस जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स को किल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है इन्फ्लेमेशन की, कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल सेल जो होती है उनको भी डैमेज करती है। जैसे आप लोग कैंसर में पड़े होंगे कि जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो कैंसरस सेल होती है उन्हीं को डेड करती है, वो जो हमारे शरीर की नॉर्मल सेल होती हैं, जो जरूरी न्यूट्रिशन सेल होती हैं उन्हें भी डेड कर देती हैं। इसी की वजह से जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं उनको क्या होती है, बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि जो मान लो इन्फ्लेमेशन की जो प्रोसेस हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि जो माइक्रोब्स हैं उन्हीं को किल करे। कभी कभी क्या होती है, जो नॉर्मल सेल हमारी होती है यानी होस्ट सेल जो होती हैं यानी जिसमें माइक्रोब्स रहते हैं जैसे हम लोग, उनकी सेल को भी क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, इसीलिए कह रहा है कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी एंटी मतलब अपोजिट और इन्फ्लेमेटरी यानी वो मेडिएटर्स जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, वो क्या कहते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिएक्शन व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर नीडेड। इसीलिए क्या करता जाता है कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर से उनको हटा दिया जाता है जब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसी एक ऐसी ड्रग का नाम जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, ठीक है, किसी एक ऐसी दवा का नाम सर्च करिएगा, बुक में पढ़िएगा, कहीं पे भी क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप लोग कहीं पे भी देखेंगे तो एंटी इन्फ्लेमेटरी की कोई एक बहुत अच्छी ड्रग बताइए जो कि नॉर्मल हम ऐसे भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं, और प्लीज़ कमेंट तो कम से कम करा ही करिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स ऐसा रहता है कि हाँ अभी मुझे जैसे किसी ने किया कि मैम वीडियो नहीं, चार दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ इशू भी थी और कुछ काम चल रहा था यहाँ पे, तो इसकी वजह से, लेकिन अभी थोड़ा फ्री हुई हूँ तो मैं वापस से और कंटिन्यू कर रही हूँ चीज़ें, तो जल्दी ही मैं पैथोफिजियोलॉजी ख़त्म कर दूँगी। तो आप प्लीज़ अपने बच्चे मतलब जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, कलीग हैं, उनसे आप अपने ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनका मतलब प्रॉफिट ही होने वाला है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लॉस होगा, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता के चल रही हूँ जो कि आपके आने वाले टाइम पे आप ऐसे कोरिलेट कर पाओगे कि हाँ कैसा है क्या नहीं। बाकी नोट्स तो मैं जितने दे रही हूँ उतने इनफ है, इसको मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और नोट्स सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद मैं सारे नोट्स टेलीग्राम पे एक बार फिर से दे दूँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।